हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करेंगे हमारे सीआईबी बीएफएम मॉड्यूल सी का यूनिट 15। इसमें फ्रेंड्स हम लोग ट्रेजरी प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो प्रोडक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ट्रेजरी जो है ट्रेजरी के प्रोडक्ट वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में किस तरीके से यूटिलाइज होते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज़ द मोस्ट लिक्विड मार्केट एज फ्री करेंसीज, जो भी फुल्ली कन्वर्टिबल फ्री करेंसीज होते हैं फ्रेंड्स, यूएसडी, ईयूआर, जीबीपी, जेपीवाई और सीएचएफ, ये जो है फॉरेक्स मार्केट में फ्री करेंसी की तरह काम करते हैं। फ्री करेंसी बिलोंग्स टू दोज कंट्रीज हुज मार्केट्स आर हाईली डेवलप्ड एंड वेयर एक्सचेंज कंट्रोलर्स प्रैक्टिकली डिस्पेंस्ड विद। तो जो फ्रीली कन्वर्टिबल करेंसीज होते हैं वो वैसे कंट्री में पाए जाते हैं जो कि हाईली डेवलप्ड होते हैं और जहाँ पे कि एक्सचेंज कंट्रोल जो है वो प्रैक्टिकली काफ़ी इजीली होता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज़ आल्सो मोस्ट ट्रांसपेरेंट एज मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस ऑनलाइन अक्रॉस द टाइम जोन इन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। और ये जो फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट होता है वो मोस्ट ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ़ दी जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो ऑनलाइन मोड में जो है वो होते हैं, और एक्सचेंज रेट मूवमेंट जो है उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो भी उसमें काफ़ी फ्रीक्वेंट देखने को मिलता है। मूवमेंट आर रिफ्लेक्टेड ऑन द स्क्रीन फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट इवन वेन द ट्रेड टेक्स प्लेस इन फार ऑफ मार्केट्स से इन न्यूयॉर्क और टोक्यो। काफ़ी दूर के भी जो मार्केट्स होते हैं वहाँ पर भी ये रिफ्लेक्टेड होता है, और ये जो है इसमें एक्सचेंज रेट मूवमेंट आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा। तो जो सबसे पहला जो है हमारा ट्रेजरी प्रोडक्ट का वो है स्पॉट ट्रेड्स। स्पॉट ट्रेड्स क्या है? करेंसीज आर मोस्टली बाउट एंड सोल्ड इन स्पॉट ट्रेड। जो फॉरेन एक्सचेंज की करेंसीज हैं जो फ्रीली कन्वर्टिबल हैं वो स्पॉट ट्रेड्स में उनको खरीदा और बेचा जाता है। तो जो स्पॉट सेटलमेंट होता है वो मोस्टली उसमें 2 वर्किंग डे का टाइम लगता है सेटल्ड होने में फ्रॉम द ट्रेड डेट, जिस डेट में सेल या परचेज किया गया है तो उसके 2 वर्किंग डे में ये स्पॉट सेटलमेंट जो है वो होता है, जैसे कि ऑन द 3rd डे, यानी कि टोटल ट्रांजेक्शन जो है वो 3 दिनों के अंदर होता है। तो अगर इसमें सेम डे को अगर कोई सेटलमेंट हो तो उसको हम लोग TOD कहते हैं, यानी TOD टूडे टूडे रेट, और अगर नेक्स्ट डे हुआ तो उसको हम लोग टॉम रेट बोलते हैं, यानी कि टुमारो TOM। TOD एंड TOM रेट्स आर जनरली कोटेड एट अ डिस्काउंट टू द स्पॉट रेट। तो TOD और TOM जो होता है वो जनरली डिस्काउंट पे जो स्पॉट रेट होता है उसके ऊपर डिस्काउंट दे करके इसको कोट किया जाता है। द रेट इज लेस फेवरेबल टू द बायर ऑफ द करेंसी, और ये रेट जो होता है बायर के लिए जो है वो लेस फेवरेबल होता है। इन एन इंटीग्रेटेड मार्केट द प्रीमियम और डिस्काउंट चार्ज ऑन द करेंसी इज रियली डिसाइडेड बाई ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स ऑफ द करेंसीज बाउट एंड सोल्ड। तो जो भी जो इंटीग्रेटेड मार्केट है वहाँ पे जो करेंसी को परचेज या सेल किया जाता है तो उसके ऊपर प्रीमियम और डिस्काउंट जो है वो चार्ज किया जाता है। और प्रीमियम और डिस्काउंट क्या होता है? ये किसी भी करेंसी के परचेज या सोल्ड करने के ओवरनाइट में जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल्स होता है उसी को हम लोग प्रीमियम या डिस्काउंट के बेसिस पे जो है करेंसी के ऊपर चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट क्या है? स्पॉट रेट रेफर टू करंट ट्रांजेक्शन। जो स्पॉट रेट था वो करंट ट्रांजेक्शन को रेफर करता है, और फॉरवर्ड जो है वो किसी भी करेंसी के सेल या परचेज को अगर किसी फ्यूचर डेट में किया गया हो तो उसको फॉरवर्ड रेट बोला जाता है। इससे जो है करेंसी रिस्क को कवर किया जाता है। ट्रेजरी इन टर्न कवर इट्स कस्टमर एक्सपोजर बाय टेकिंग रिवर्स पोजीशन इन द इंटर बैंक मार्केट। और ट्रेजरी जो है वो भी इस जो फॉरवर्ड रेट है उसको कोट करके जो इसके कस्टमर होते हैं, कस्टमर एक्सपोजर बाय टेकिंग रिवर्स पोजीशन इन द इंटर बैंक मार्केट। इंटर बैंक मार्केट में कस्टमर एक्सपोजर को रिवर्स पोजिशन में जो है कवर करता है फॉरवर्ड रेट के थ्रू। डिफरेंशियल्स ऑफ टू करेंसीज एडेड और डिडक्टेड फ्रॉम स्पॉट एक्सचेंज रेट। तो जो भी प्रीमियम या डिस्काउंट जो होता है वो क्या है? प्रीमियम और डिस्काउंट जो है वो किसी भी दो करेंसी के जो ओवरनाइट के इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स को ऐड करना या डिडक्ट करना उसी को हम लोग प्रीमियम या डिस्काउंट कहते हैं।
तो द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इज एडेड टू द स्पॉट रेट फॉर लोअर इंटरेस्ट यील्डिंग करेंसी रिप्रेजेंटिंग फॉरवर्ड प्रीमियम. तो जो भी लो इंटरेस्ट यील्डिंग करेंसी होगा उस पर हम लोग क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल है उसको ऐड करेंगे, तो इसी को हम लोग फॉरवर्ड प्रीमियम बोलेंगे. और जब हम इसको स्पॉट रेट के साथ डिडक्ट करेंगे तो ये हाई इंटरेस्ट यील्डिंग करेंसी होगा और इसको हम लोग डिस्काउंट से रिप्रेजेंट करेंगे. नेक्स्ट है स्वैप्स. स्वैप्स क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पॉट एंड फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन और ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड अ स्वैप. यानी कि स्वैप और फॉरवर्ड जो दो अलग अलग ट्रांजेक्शन पहले हमने देखा फ्रेंड्स, उसको एक साथ कंबाइन करके ट्रांजेक्ट करना उसको हम लोग स्वैप कहते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टू फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन. यानी कि स्पॉट और फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन को भी हम लोग कंबाइन कर सकते हैं या दो फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन को भी कंबाइन कर सकते हैं, इसी को हम लोग स्वैप कहते हैं. तो इसमें क्या है, इसमें एक्सचेंज ऑफ कैश फ्लो होता है, परचेज एंड सेल ऑफ करेंसी ऑन टू फॉरवर्ड डेट. और इसमें जो सेल और परचेज ऑफ करेंसी होता है वो दो फॉरवर्ड डेट में होता है. जैसे कि अगर दो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम लोग एक साथ कर रहे हैं लेकिन उसका जो सेटलमेंट डेट होगा वो दो अलग अलग फॉरवर्ड डेट पे होगा, तो उसी को हम लोग स्वैप के थ्रू करते हैं. द स्वैप रूट इज जनरली यूज फॉर फंडिंग रिक्वायरमेंट्स बट देयर इज ऑल्सो ए प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज. स्वैप जो होता है वो जनरली फंडिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज है, जैसे किसी एक का इंटरेस्ट कम हो किसी एक का इंटरेस्ट ज्यादा हो, तो उसके डिफरेंस के बेनिफिट को लेने के को ही हम लोग इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज कहते हैं. तो इस तरीके से वहाँ पे प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी भी अराइज हो जाती है. हाउएवर इंटरेस्ट आर्बिट्रेज एग्जिस्ट ओनली वेन वन ऑफ द करेंसी एक्सचेंज इज नॉट फुली कन्वर्टिबल. और इंटरेस्ट आर्बिट्रेज जो है वह तभी होगा जब एक करेंसी जो है वो फुल्ली कन्वर्टिबल नहीं होगी एक्सचेंज मार्केट में. अभी नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सरप्लसेस. फॉरेन एक्सचेंज सरप्लसेस में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कैसे कैसे ट्रेजरी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है. तो ट्रेजरी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सरप्लस ऑफ द बैंक. ट्रेजरी क्या करती है, जो भी बैंकों का फॉरेन एक्सचेंज सरप्लस होता है उसको वो इन्वेस्ट करती है. तो ये सरप्लस कहाँ से अराइज होगा, ये ट्रेजरी ऑपरेशन में जो भी प्रॉफिट हो वो ओवरसीज ब्रांच ऑपरेशन में जो प्रॉफिट अराइज होगा उसके थ्रू. फॉरेक्स में अगर कोई बोरोइंग है ओवरसीज या डोमेस्टिक मार्केट से तो उस अमाउंट को भी हम लोग ले सकते हैं. फॉरेन करेंसी एंड कन्वर्टिबल रूपी डिपॉजिट विथ ब्रांचेज. और ब्रांचेज में जो भी फॉरेन करेंसी और कन्वर्टिबल रूपी डिपॉजिट होगा, मेनली NRI डिपॉजिटर्स एंड एक्सपोर्टर्स का वो अमाउंट होगा फ्रेंड्स, तो उसको हम लोग लेते हैं. सच सरप्लस नेट ऑफ बैंक्स लेंडिंग इन फॉरेन करेंसी टू एलिजिबल बोरोअर आर लेफ्ट एट द डिस्पोजल ऑफ ट्रेजरी. और ये सरप्लस जो है वो बैंकों का नेट लेंडिंग को भी हम लोग ले सकते हैं, जो कि बैंकों ने फॉरेन करेंसी में दिया हुआ है किस जो भी उनके एलिजिबल बोरोअर हैं, तो उसके नेट को भी हम लोग लेते हैं. बैंक्स आर परमिटेड टू इन्वेस्ट फॉरेन एक्सचेंज सरप्लसेस इन ग्लोबल मनी मार्केट इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज. फॉलोइंग आर द एवेन्यूज अवेलेबल टू द ट्रेजरी फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेक्स और सरप्लसेस. सॉरी, बैंक्स जो है वो फॉरेन एक्सचेंज जो उनका सरप्लस है ग्लोबल मनी मार्केट में वहां पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, या जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज हैं वहां भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो बैंक कहाँ कहाँ परमिशन है बैंकों को इन्वेस्ट करने की वो यहाँ पे दिया हुआ है. तो पहला जो है वो है इंटर बैंक लोन्स. इंटर बैंक लोन्स क्या है, ये नॉर्मली जो है एक साल से ज्यादा का नहीं होता है और मोस्टली जो है ओवरनाइट डिपॉजिट विथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल बैंक्स. जो भी ओवरनाइट डिपॉजिट होगा डोमेस्टिक और ग्लोबल बैंक के साथ, सब्जेक्ट टू प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइंस टू द रिस्पेक्टिव बैंक्स, तो उसमें जो है बैंक इन्वेस्ट करेगी. फिर है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है ओवरसीज इन शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाई क्रेडिट क्वालिटी सच एज ट्रेजरी बिल्स और गिल्ड्स इशूड बाय फॉरेन गवर्नमेंट्स. बैंक जो है ओवरसीज में जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हाई क्रेडिट क्वालिटी के होते हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल या गिल्ड्स, उसमें इन्वेस्ट कर सकती है. और ये ट्रेजरी बिल और गिल्ड्स जो होता है फ्रेंड्स वो फॉरेन गवर्नमेंट इशू करती है. कमर्शियल पेपर अदर डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाई मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन एंड कंपनीज विथ ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग.
ट्रेजरी बिल्स हो गया, गिल्ड्स हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, डेट इंस्ट्रूमेंट हो गया. डेट इंस्ट्रूमेंट कौन इशू करेगा? जो ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होगी, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, वो डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करेंगी सब्जेक्ट टू अप्रोप्रिएट पॉलिसी फॉर द इन्वेस्टमेंट अप्रूवल एट बोर्ड लेवल. और इस ये भी जो इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी होगी ये बोर्ड लेवल पे अप्रूव होगी कि उनको वहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है और कैसे करना है. नेक्स्ट है नॉस्ट्रो अकाउंट्स. नॉस्ट्रो अकाउंट वेयर फ्लोटिंग फंड्स ऑफ द बैंक आर पार्क्ड पेंडिंग यूटिलाइजेशन और कस्टमर ड्रॉल्स. नॉस्ट्रो अकाउंट्स आर करंट अकाउंट डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी. ये हमने फ्रेंड्स पहले भी देखा था हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का जो यूनिट था उसमें, कि नॉस्ट्रो अकाउंट जो होता है वहाँ पे बैंक अब का जो भी पेंडिंग यूटिलाइजेशन या कस्टमर ड्रॉल्स होता है वो वहाँ पे पार्क करके रखा जाता है. नॉस्ट्रो अकाउंट का जो नेचर होता है वो करंट अकाउंट की तरह होता है जो कि फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड होता है. मेंटेन बाय द बैंक विद देयर करेस्पॉन्डेंट बैंक इन द होम कंट्री ऑफ द करेंसी. और ये जो है बैंक मेंटेन करती है, जो भी करेस्पॉन्डेंट बैंक होता है वो उनके जो करेंसी होती है उसकी होम कंट्री में होती है, जैसे जापान फॉर येन, यूको फॉर स्टर्लिंग, यूएसए फॉर डॉलर्स. तो बैलेंस हेल्ड इन द नॉस्ट्रो अकाउंट डू नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट. जैसे कि ये करंट अकाउंट है फ्रेंड्स, तो नॉस्ट्रो अकाउंट में जो भी फंड रहेगा उसके ऊपर बैंकों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. हाउएवर मेनी करेस्पॉन्डेंट बैंक ऑफर ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज फॉर फंड हेल्ड ओवरनाइट. तो बहुत सारी जो करेस्पॉन्डेंट बैंक्स होती हैं वो उनके पास एक ऑफर होता है, वो ऑफर देती हैं बैंकों को कि जो भी नॉस्ट्रो अकाउंट में अवेलेबल फंड है उसको वो ऑटोमेटिक जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं ओवरनाइटली सब्जेक्ट टू ए मिनिमम बैलेंस इन द अकाउंट. और मिनिमम बैलेंस जो है वो अकाउंट में मेंटेन करना होगा, जैसे कि $1,00,000. द करेस्पॉन्डेंट बैंक्स इन्वेस्ट द एक्सेस फंड इन मनी मार्केट ऑन बिहाफ ऑफ द अकाउंट होल्डिंग बैंक. और जो करेस्पॉन्डेंट बैंक होती है वो अकाउंट होल्डिंग बैंक के बिहाफ पे जो भी एक्सेस फंड होगा इस अकाउंट में उसको मनी मार्केट में जो है इन्वेस्ट कर सकती है. एंड पे इन रिटर्न इंटरेस्ट एट अ रेट नॉर्मली लिंक टू FED रेट फॉर USD फंड्स. और उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट रेट नॉर्मली जो कि आपका FED रेट जो USD फंड होती है उसको FED रेट से लिंक रहता है फ्रेंड्स, तो उसके बेसिस पे वो उसको इंटरेस्ट जो है वो पे करेगी. दस द ट्रेजरी इज एबल टू अर्न नॉमिनल इंटरेस्ट ऑन आइडल फंड हेल्ड इन द नॉस्ट्रो अकाउंट. और इस तरह से ट्रेजरी जो होती है जो नॉस्ट्रो अकाउंट में आइडल फंड जो है अवेलेबल रहता है उससे भी इंटरेस्ट जनरेट कर सकती है. नेक्स्ट जो है लोन्स एंड एडवांसेस. क्रेडिट इज अ बैंकिंग फंक्शनल एंड ट्रेजरी इज नॉट इन्वॉल्व इन क्रेडिट अप्रेजल एंड डिसबर्समेंट. हाउएवर क्लियरेंस फ्रॉम ट्रेजरी इज सॉल्व एज टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन करेंसी फंड एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स प्रायर टू सैंक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी एडवांसेज. हालांकि ट्रेजरी जो है वो क्रेडिट अप्रेजल या डिसबर्सल का काम नहीं करती है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी अगर कुछ फॉरेन करेंसी एडवांस जो है बैंकों को करना है तो उसके लिए उसको ट्रेजरी से क्लियरेंस लेने की जरूरत पड़ती है. नेक्स्ट है रीडिस्काउंटिंग ऑफ फॉरेन बिल्स. दिस इज एन इंटर बैंक एडवांस वेयर ट्रेजरी रीफिनेंसेस द फॉरेन करेंसी बिल्स परचेज्ड और निगोशिएटेड बाय अनदर बैंक. जो भी बैंकों के द्वारा जो भी बिल्स परचेज या निगोशिएट किए जाते हैं फ्रेंड्स उसको ट्रेजरी जो है वो फिर से रीफिनेंस करती है, वही आपका रीडिस्काउंटिंग ऑफ फॉरेन बिल्स है. दिस इज अ ट्रेजरी प्रोडक्ट एज द बिल्स आर रीडिस्काउंटेड विद रिकोर्स टू द बैंक विदाउट क्रेडिट रिस्क ऑफ द क्लाइंट. ये भी एक तरह का ट्रेजरी प्रोडक्ट ही है फ्रेंड्स, जहाँ पे कि बिल्स को रीडिस्काउंट किया जाता है, जहाँ पे बैंकों का रिकोर्स होता है और इस पे ट्रेजरी को कोई भी क्रेडिट रिस्क जो है वो बेयर नहीं करना पड़ता है. द बिल रीडिस्काउंटिंग इज प्राइस्ड स्लाइटली हायर देन मार्केट प्लेसमेंट्स. और ये बिल रीडिस्काउंटिंग जो होगा, जो उसका मार्केट प्लेसमेंट का वैल्यू होगा उससे वो हायर रेट पे किया जाएगा. द एडवांस कवर्स अ यूजेंस पीरियड. और इस पे जो एडवांस किया दिया जाएगा जो रीडिस्काउंटिंग होगा फ्रेंड्स वो कितने दिनों के लिए होगा? जो यूजेंस पीरियड होता है उसके लिए होगा. और यूजेंस पीरियड जो है नॉर्मली कितना होता है? 15 डेज से लेके 360 डेज तक का होता है. द काउंटर पार्टी वुड चार्ज देयर कस्टमर कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द अंडरलाइन. और काउंटर पार्टी जो है वो अपने कस्टमर को जो कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसके ऊपर चार्ज करेगी. अभी नेक्स्ट है मनी मार्केट प्रोडक्ट्स. मनी मार्केट प्रोडक्ट्स में क्या क्या है? मनी मार्केट जो है
वहाँ पे मनी मार्केट से शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज से जो भी फंड रेज करना या डिप्लॉय करना, और ये नॉर्मली आपका 1 साल से ज़्यादा का नहीं होगा, तो वही मनी मार्केट प्रोडक्ट्स में हम लोग उसको देखेंगे। तो यहाँ पे 3 तरह का दिया हुआ है, पहला है कॉल मनी और दूसरा है नोटिस मनी, तीसरा है टर्म मनी। ये जो है फ्रेंड्स, ये डेज के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। कॉल मनी जो है ये ओवरनाइट प्लेसमेंट्स के लिए इसको यूज किया जाता है। फंड्स बोरोड बाय बैंक नीड टू बी रीपेड ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। जो भी बैंक ये फंड लेगी, बोरो करेगी कॉल मनी में, तो वो उसको नेक्स्ट वर्किंग डे में रीपे करना पड़ेगा। कॉल मनी रेट्स इंडिकेट लिक्विडिटी अवेलेबल इन द इंटर बैंक मार्केट, ओवरनाइट मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। अब इस पे जो इंटरेस्ट रेट लगेगा फ्रेंड्स, वो MIBOR यानी कि ओवरनाइट मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट के ऊपर इस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, और ये डेली मॉर्निंग में इसको फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट है नोटिस मनी। नोटिस मनी जो है ये प्लेसमेंट ऑफ फंड्स बियॉन्ड ओवरनाइट फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 14 डेज, और इसमें जो है नोटिस मनी में 1 दिन से ज़्यादा और 14 दिन तक का जो बोरोइंग होगा वो नोटिस मनी में होगा। फिर है टर्म मनी। टर्म मनी जो है वो एक्सेस ऑफ 14 डेज बट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, यानी कि 14 दिन से ऊपर यानी 15 दिन से लेके 1 साल तक का जो भी बोरोइंग होगा वो टर्म मनी में आएगा। टिपिकली टर्म मनी प्लेसमेंट रेंज फ्रॉम 1 मंथ्स टू 6 मंथ्स एंड प्लेसमेंट फॉर लॉन्गर पीरियड आर नॉट वेरी कॉमन। नॉर्मली जो इसका टर्म मनी का जो रेंज होगा वो 1 महीने से 6 महीने तक होगा, और ज़्यादा दिन के लिए टर्म मनी जो है वो कॉमन नहीं होता है। द कॉल मनी मार्केट इज प्योरली एन इंटर बैंक मार्केट। नॉन बैंक प्लेयर सच एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड म्यूचुअल फंड्स वी आर फेज्ड आउट ऑफ कॉल मनी मार्केट विथ इफेक्टिव फ्रॉम अगस्त 2005। ओनली बैंक्स, प्राइमरी डीलर एंड कोऑपरेटिव बैंक्स कैन पार्टिसिपेट इन द कॉल मनी मार्केट। तो कॉल मनी मार्केट जो है वो प्योरली जो है इंटर बैंक मार्केट है। जो नॉन बैंकिंग प्लेयर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और म्यूचुअल फंड्स हैं वो कॉल मनी मार्केट में जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं या वहाँ से बोरो नहीं कर सकते हैं। सिर्फ बैंक, प्राइमरी डीलर और कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वही कॉल मनी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इशू किया जाता है फ्रेंड्स, और इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज होती है, और ये प्री डिटरमाइंड अमाउंट्स में होता है। ट्रेजरी बिल्स इशूड ऑन फिक्स डेट एंड फॉर प्री फिक्स्ड अमाउंट्स। टी बिल्स जो है वो फिक्स डेट पे इशू होते हैं और प्री फिक्स्ड अमाउंट में ये इशू किए जाते हैं। करेंटली 91 डेज टी बिल इज इशूड वीकली ऑन ईच विटनेस डे। अभी जो है 91 डेज का जो ट्रेजरी बिल होता है वो वीकली इशू होता है और हर बुधवार को इसको इशू किया जाता है, और 182 डेज का जो ट्रेजरी बिल होता है वो फोर्टनाइटली ऑन वेडनेसडे प्रिसीडिंग नॉन रिपोर्टिंग फ्राइडे। जो नॉन रिपोर्टिंग फ्राइडे है उसके जस्ट प्रीवियस का जो वेडनेसडे होगा वहाँ पे 182 डेज का जो है ट्रेजरी बिल इशू किया जाएगा, और 364 का ट्रेजरी बिल जो है वो भी फोर्टनाइटली इशू होगा, और ये रिपोर्टिंग फ्राइडे का जो प्रिसीडिंग वेडनेसडे होगा उसमें होगा। जो 182 है वो नॉन रिपोर्टिंग फ्राइडे के प्रिसीडिंग वेडनेसडे में होगा, और 364 जो है वो रिपोर्टिंग फ्राइडे के प्रिसीडिंग वेडनेसडे को होगा। यील्डिंग इंटरेस्ट जनरली हायर देन द ओवरनाइट कॉल मनी रेट्स। जो ट्रेजरी बिल्स होता है फ्रेंड्स वो शॉर्ट टर्म जो भी सरप्लस होता है बैंकों का फंड उसको पार्क करने के लिए, और रिस्क एक तरह का रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, और इस पे जो भी इंटरेस्ट यील्ड होगा बैंकों को वो हायर देन द ओवरनाइट कॉल मनी रेट, जो कॉल मनी रेट है उससे ज़्यादा ही यहाँ पे बैंकों को जो है इंटरेस्ट मिलेगा। द ट्रेजरी बिल लाइक अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड इज टू बी सोल्ड इन SGL अकाउंट कंस्टिट्यूएंट्स। SGL अकाउंट जो है ये फ्रेंड एक तरह का अकाउंट है जो कि RBI जो है वो CCIL के साथ मिलके उसको जो है मेंटेन करती है, और जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो सेल और परचेज होगा वो इसी SGL अकाउंट के थ्रू होता है। सेकेंडरी मार्केट सेटलमेंट ऑफ ट्रेजरी बिल टेक्स प्लेस थ्रू क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCIL, और सेकेंडरी मार्केट सेटलमेंट जो होता है ट्रेजरी बिल्स का वो क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के थ्रू होता है। अभी नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर।
कमर्शियल पेपर जो है ये भी एक शॉर्ट टर्म डेट मार्केट पेपर है जो कि कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं। इसमें मिनिमम मैच्योरिटी जो है वो 7 डेज का होता है और मैक्सिमम मैच्योरिटी जो है वो 1 ईयर का होता है। कॉर्पोरेट प्राइमरी डीलर्स एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर एलिजिबल टू इशू कमर्शियल पेपर। जो भी कॉर्पोरेट्स प्राइमरी डीलर्स और फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो कमर्शियल पेपर जो है इशू कर सकते हैं। इशू ऑफ कमर्शियल पेपर जो है वो RBI के गाइडलाइन के बेसिस पे किया जाता है एंड मार्केट प्रैक्टिसेस प्रिस्क्राइब बाय FIMMDA, और मार्केट प्रैक्टिस जो कि FIMMDA ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है उसके बेसिस पे इसको इशू किया जाता है। एज पर RBI गाइडलाइन द प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट्स आर, अब कमर्शियल पेपर को इशू करने का जो प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है। जो इशूइंग कंपनी होगी उसका मिनिमम जो क्रेडिट रेटिंग है वो P2 होना चाहिए। उसका नेटवर्थ जो है लास्ट बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग वो 4 करोड़ से नीचे नहीं होना चाहिए, और कोई भी एडवांस जो कि बैंकों से लिया गया हो वो हमेशा ही स्टैंडर्ड एसेट क्लासिफिकेशन में होना चाहिए, तो ही वो कंपनी जो है वो कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है। कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए उसका मिनिमम अमाउंट जो है 5 लाख होना चाहिए। बैंक्स आर परमिटेड टू इन्वेस्ट इन CP ओनली इफ इट इज इन डीमैट फॉर्म। बैंक जो है वो कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट कर सकती है लेकिन उसको डीमैट फॉर्म में जो है वो इन्वेस्ट करना होगा। CP इज टू बी इशूड थ्रू एन IPA इशूइंग एंड पेइंग अथॉरिटी हु मस्ट बी ए बैंक। और कमर्शियल पेपर जो है कोई भी कंपनी एक IPA के थ्रू इशू कर सकती है, एक IPA के थ्रू ही इशू कर सकती है जो कि IPA का फुल फॉर्म है इशूइंग एंड पेइंग अथॉरिटी, और ये एक बैंक ही होगा। यानी कि कमर्शियल पेपर कोई भी कंपनी जो है बैंक के थ्रू इशू कर सकती है। इट इज कॉमन प्रैक्टिस दैट बैंक ईयर मार्क पार्ट ऑफ द अवेलेबल वर्किंग कैपिटल लिमिट ऑफ ए कॉर्पोरेट कस्टमर एज ए मेजर ऑफ क्रेडिट इन्हेंसमेंट सो दैट द कंपनी वुड ऑब्टेन रिक्वायर क्रेडिट रेटिंग फॉर इशू ऑफ कमर्शियल पेपर। यह कॉमन प्रैक्टिस है कि बैंक जो है जो भी उसका जो कॉर्पोरेट कस्टमर है जिसके बिहाफ में वो कमर्शियल पेपर इशू कर रही है वो उसके वर्किंग कैपिटल लिमिट को ईयर मार्क करके रख सकती है, जो भी उसका अवेलेबल वर्किंग कैपिटल लिमिट बैंकों के पास है, एज अ मेजर ऑफ क्रेडिट इन्हेंसमेंट, और उसको वो एज अ क्रेडिट इन्हेंसमेंट मेजर उसको ले सकती है सो दैट द कंपनी वुड ऑब्टेन रिक्वायर क्रेडिट रेटिंग फॉर इशू ऑफ कमर्शियल पेपर। और ये कंपनी को क्रेडिट रेटिंग जो है लेने में हेल्प करेगी। रेप्यूटेड कंपनीज विद अ साउंड बैलेंस शीट मे ऑब्टेन हायर क्रेडिट रेटिंग ऑन देयर ओन विदाउट सच क्रेडिट रिपोर्ट। और जो रेप्यूटेड कंपनीज होती हैं उनको बिना किसी क्रेडिट सपोर्ट के भी वो हायर क्रेडिट रेटिंग जो है वो अपने बैलेंस शीट के बेसिस पे ले सकती हैं। कमर्शियल पेपर जो है वो एक प्रॉमिसरी नोट फॉर डिस्काउंटेड अमाउंट के बेसिस पे इशू किया जाता है। प्राइस ऑफ कमर्शियल पेपर इज लेस देन द फेस वैल्यू एंड द प्राइस इज कोटेड फॉर फेस वैल्यू ऑफ ₹100। द CP इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड हैज अ फेयरली एक्टिव मार्केट। तो जो कमर्शियल पेपर होगा वो डिस्काउंटेड अमाउंट के ऊपर इशू किया जाएगा, जो भी उसका फेस वैल्यू है उससे वो कम होगा उसका जो अमाउंट होगा, और ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह इशू किया जाएगा जो कि एक्टिव मार्केट में जो है इजीली पार्टिसिपेट किया जा सकता है। CP इज इशू इन डीमैट फॉर्म, हेंस द परचेज एंड सेल ऑफ CP इज इफेक्टेड थ्रू द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अकाउंट्स ऑफ इन्वेस्टर्स। और कमर्शियल पेपर जो है वो हमेशा डीमैट फॉर्म में इशू किया जाएगा, इसीलिए इसका परचेज और सेल जो है वो हमेशा जो है जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे फ्रेंड्स, यहाँ पे CDSL और NSDL दो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वहाँ पे अगर आपका अकाउंट है इन्वेस्टर्स का तो ही आप CP को परचेज या सेल कर सकते हैं। फिर एट द सेम टाइम बैंक टेंड्स टू इन्वेस्ट इन CPs थ्रू द ट्रेजरी, और बैंक भी जो है वो कमर्शियल पेपर में ट्रेजरी के थ्रू जो है इन्वेस्ट कर सकता है। क्रेडिट रिस्क इज रिलेटिवली लो एंड लिमिटेड टू ए शॉर्ट पीरियड। और वो किस तरीके कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे कि उसका क्रेडिट रिस्क जो है वो कम रहेगा और शॉर्ट पीरियड के लिए वो वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। दूसरा है यील्ड ऑन कमर्शियल पेपर इज हायर देन इंटरबैंक मनी मार्केट यील्ड, और कमर्शियल पेपर का जो यील्ड होगा वो मनी मार्केट के यील्ड से इंटरबैंक मनी मार्केट जो है उससे ज़्यादा होगा। कमर्शियल पेपर बीइंग ए ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट देयर इज नो लिक्विडिटी रिस्क, और कमर्शियल पेपर जो है वो एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है
इसीलिए यहाँ पे बैंकों को कोई लिक्विडिटी रिस्क नहीं होगा। सेकेंडरी मार्केट फॉर कमर्शियल पेपर इज फेयरली एक्टिव एंड द इंडेक्स रिटर्न ऑन कमर्शियल पेपर इज यूज एज ए बेंच मार्क रेट फॉर शॉर्ट टर्म एडवांसेज। जो सेकेंडरी मार्केट है वहाँ पे भी कमर्शियल पेपर जो है वो फेयरली एक्टिव होता है और इसको शॉर्ट टर्म एडवांसेज के बेसिस पे भी यूटिलाइज किया जा सकता है। अभी नेक्स्ट जो ट्रेजरी प्रोडक्ट है वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये भी एक डेट इंस्ट्रूमेंट है कमर्शियल पेपर की तरह ही, बट इज इशूड बाई बैंक अगेंस्ट डिपॉजिट ऑफ फंड्स। और ये सर्टिफिकेट डिपॉजिट जो है वो बैंक इशू करेगी। कमर्शियल पेपर जो था फ्रेंड्स वो कॉर्पोरेट कंपनीज इशू कर रही थी, लेकिन सीडी जो है वो बैंक इशू करती है। अनलाइक अ डिपॉजिट रिसीट सीडी इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करेगा। जनरली बियर इंटरेस्ट रेट हायर देन रेगुलर डिपॉजिट ऑफ द बैंक। और जो नॉर्मल डिपॉजिट होता है बैंकों का उससे इस पे आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सीडी अट्रैक्ट स्टैम्प ड्यूटी, यहाँ पे आपको स्टैम्प ड्यूटी भी पे करना पड़ेगा। एंड इज जनरली रेटेड बाई एन अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा अप्रूव किया हुआ रहेगा। तो सीडी इज मीन प्राइमरली फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। सीडी जो है वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए है। मिनिमम अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट बीइंग ₹1 लाख, जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है उसका मिनिमम अमाउंट जो है वो ₹1 लाख होता है। और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 7 डेज से लेकर के 1 ईयर तक के बीच में वेरी करेगा। ये 1 लाख एंड मल्टीपल्स में इशू किया जा सकता है, आइदर इन डिमैट फॉर्म और एज ए प्रोमिसरी नोट। ये डिमैट फॉर्म में भी इशू हो सकता है या प्रोमिसरी नोट के रूप में भी इशू किया जा सकता है। सीडी इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इट इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल फॉर कॉर्पोरेट एंड बैंक्स। तो ये इसमें कॉर्पोरेट्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और बैंक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाउएवर सेकेंडरी मार्केट फॉर सीडी मार्केट इज नॉट वेरी एक्टिव। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो ज्यादा एक्टिव नहीं है। एंड बैंक फाइंड इट्स अट्रैक्टिव ओनली वेन लिक्विडिटी कंडीशंस आर टाइट। और बैंक इसको नॉर्मली कब एक्टिव होगा, जब बैंकों का जो लिक्विडिटी कंडीशंस है वो टाइट होगा, तभी बैंक जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकती है। नेक्स्ट है रेपो। रेपो इनफैक्ट इज ए सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन। रेपो मेनली क्या है, एक सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन है, बट इज यूज फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग मनी मार्केट फंड। जो मनी मार्केट फंड है उसको लेंडिंग या बोरोइंग में इसको यूज किया जा सकता है। फॉर टर्म्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम 1 डे टू 1 ईयर। और इसमें जो मैच्योरिटी पीरियड है वो कितना होगा, 1 दिन से लेकर के 1 साल तक। रेपो रेफर्स टू सेल ऑफ सिक्योरिटीज विद अ कमिटमेंट टू रीपर्चेस द सेम सिक्योरिटीज एट अ लेटर डेट। और रेपो में क्या है कि आप सिक्योरिटीज को सेल करते हैं और साथ में ही आपका एक कमिटमेंट भी रहता है कि आप इसको इन फ्यूचर डेट आप रीपर्चेस करेंगे। प्रेजेंटली ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर बीइंग डील्ड विद अंडर रेपो। अभी जो है सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही रेपो में डील किए जाते हैं। द डिफरेंस इन द सेल प्राइस एंड रीपर्चेज प्राइस इज टेकिंग टू इंटरेस्ट ऑन द कैश एडवांसेस। और जो भी सेल और रीपर्चेज प्राइस होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, तो उसका जो डिफरेंस होता है उसी को कैश एडवांसेस के रूप में यूज किया जाता है। द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज हायर बाई अ मार्जिन अबाउट 5% टू कवर प्राइस रिस्क इन केस ऑफ डिफॉल्ट। जो सिक्योरिटी का वैल्यू होता है इज हायर बाई अ मार्जिन, वहाँ पे कितना का मार्जिन होता है, 5% का मार्जिन होता है, जिससे कि प्राइस रिस्क को कवर किया जाता है अगर कोई डिफॉल्ट अराइज हो तो। मार्जिन इज कॉल्ड हेयर कट, और इस मार्जिन को हेयर कट कहते हैं। एज द प्रिंसिपल अमाउंट एक्सचेंज अगेंस्ट द सिक्योरिटीज इज लोअर देन द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा जो कि सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में एक्सचेंज किया जाएगा, उसका जो वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी से कम होगा, क्योंकि वहाँ पे 5% का मार्जिन रखा जा रहा है। ऑल रेपो सेटलमेंट्स आर रूटेड थ्रू क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। रेपो सेटलमेंट भी CCIL के थ्रू ही जो है वो किया जाएगा, सेटल्ड किया जाएगा। However, repo in corporate securities has also been permitted by RBI with effective from December 2009. December 2009 से
कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ में भी आरबीआई ने परमिशन दिया है रेपो के लिए, रेपो ट्रांजेक्शन के लिए। रेपो एज अ टूल ऑफ आरबीआई अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड रेपो इन द फॉर्म ऑफ सीबीएलओ आर एक्सप्लेन सेपरेटली। हम लोग रेपो को एलएफ फैसिलिटी में और सीबीएलओ में कैसे यूटिलाइज किया जाता है वो हम लोग बाद में देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है रेपो अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे, तो अभी तक ये इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके पार्ट टू के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।